बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ द कोर्स ऑफ ईडीसी। स्टार्टिंग विथ बीजेटी करंट मिरर्स। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक बीजेटी करंट मिरर व्हिच इज क्वाइट सिमिलर इन आर्किटेक्चर टू अ मॉसफेट करंट मिरर। ठीक है, Q1 Q2 दो ट्रांजिस्टर्स हैं बिल्कुल मॉसफेट की तरह, उसमें गेट ड्रेन शॉर्टेड होते थे। यहाँ पे बेसिकली बेस और कलेक्टर शॉर्टेड हैं, आई रेफरेंस एक करंट सोर्स लगा हुआ है, माइनस वी एस एस इनका लोअर सप्लाई वोल्टेज है। अच्छा, मैंने यहाँ जो एक एक्चुअल सर्किट बनाया है, बेसिकली एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वी वॉन्ट टू फाइंड द रेशो ऑफ एक्चुअली आई नॉट ओवर आई रेफरेंस। मॉसफेट में तो हमें बेसिकली डायरेक्टली पता था कि Q1 Q2 दोनों जो थे वो सैचुरेशन में थे, तो डायरेक्ट आई नॉट की सैचुरेशन की इक्वेशन और आई रेफरेंस की सैचुरेशन इक्वेशन रख के हमने डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कि वी नो कि ये आई ई करंट है, ये Q2 का आई ई करंट है। लेट बोथ ऑफ देम बी सेम, हम अज्यूम करें कि Q1 एंड Q2 आर एग्जैक्टली सेम, एंड सिंस देयर बेसिस आर शॉर्टेड, सिंस देयर एमिटर्स आर शॉर्टेड, इट मीन्स कि इनका आई ई भी जो है वो सेम ही होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आई ई है तो बेस पे क्या करंट होगा, आई ई ओवर 1 प्लस बीटा। ज़ाहिर है बेस करंट आई ई ओवर 1 प्लस बीटा के बराबर होता है, तो इस आई ई के हिसाब से इसका जो करंट होगा वो भी आई ई ओवर 1 प्लस बीटा होगा। तो अगर ही, और आपको पता है कि एन पी एन में जो बेस करंट होता है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग इन साइड द बेस, तो अगर इसका बेस करंट यहाँ जा रहा है और इस Q1 का बेस करंट यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो कितना होगा, वो बेसिकली इन दोनों का सम होगा जो कि 2 IE over 1 plus beta हो गया। दोबारा से देखें, ये IE था, बेस करंट हुआ IE over 1 plus beta, ये IE था, इसका करंट है IE over 1 plus beta, ये इस तरफ जा रहा है IE over 1 plus beta, ये बेस करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ से जो आ रहा होगा वो इनका ट्वाइस आ रहा होगा ना, जब भी आधा इधर वन इधर जा रहा है और वन इधर जा रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा ट्वाइस ऑफ 2 IE over 1 plus beta। ये आई नॉट क्या होगा, ये आई नॉट बेसिकली किसके बराबर होगा, ये जो Q2 है इसके कलेक्टर करंट के बराबर होगा। IC बराबर होता है अल्फा टाइम्स IE के, ये आई नॉट जो है वो बेसिकली कलेक्टर करंट ऑफ Q2 के बराबर है अल्फा IE के, और अल्फा की जगह मैं क्या लिख दूंगी, अल्फा की जगह लिख दूंगी मैं beta over 1 plus beta। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ये जो आई नॉट है बेसिकली कलेक्टर करंट है, तो बेसिकली मैंने यहाँ लिख दिया है आई नॉट बराबर है अल्फा IE के, और अल्फा की जगह मैंने beta upon 1 plus beta IE लिख दिया। ये बेसिकली कलेक्टर करंट ऑफ Q2 को इंडिकेट कर रहा है। अभी हमें बेसिकली देखना है कि आई रेफरेंस करंट किसके बराबर है। आई रेफरेंस करंट वो करंट जो Q1 के कलेक्टर में नज़र आ रहा है उसके, और जो यहाँ जा रहा है इसके, क्योंकि अगर ज़ाहिर है मैं इस पॉइंट पे KCL लगाऊंगी तो आई रेफरेंस करंट इस आने वाले करंट के और यहाँ जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो यहाँ इसका भी कलेक्टर करंट क्या होगा, इसका कलेक्टर करंट होगा अल्फा IE, ठीक है, और अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा beta over 1 plus beta IE। तो आई रेफरेंस बराबर हो गया इस वाले करंट के और इस वाले करंट के सम के, यही मैंने यहाँ लिखा है 2 IE over 1 plus beta plus beta IE over 1 plus beta। इन दोनों में से मैंने IE over 1 plus beta का फैक्टर कॉमन निकाला, बाहर ले आई, ये बन गया 2 plus beta। सिंपल करंट सोर्स है, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉट इज द रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड आई रेफरेंस इन दिस करंट मिरर। आई नॉट मैंने अभी बता दिया था कलेक्टर करंट है, अब मैंने इसके अंदर आई रेफरेंस की इक्वेशन को भी डिवाइड करके पुट कर दिया। IE over 1 plus beta न्यूमरेटर से IE over 1 plus beta डिनोमिनेटर से कॉमन था, कैंसल आउट हो गया, यू आर लेफ्ट विद beta over 2 plus beta, ये हमारे पास बचा है। इसमें से ये जो बीटा का फैक्टर था, मैं इसको इस डिनोमिनेटर के भी नीचे लेके चली गई, तो 2 के नीचे भी बीटा आ गया, बीटा के नीचे भी बीटा आ गया, ये 1 plus beta 2 over beta बन गया। अब आप देखें कि अगर बीटा इनफाइनाइट है, सपोज करें गेन इनफाइनाइट है, जो कि आइडियल सिचुएशन में होता, बीटा तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता, अगर बीटा इन्फिनिटी होता तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता, तो ये 1/1 ही बचता, तो यानी आई नॉट आई रेफरेंस के बराबर आता। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर 100 से बीटा बहुत ज़्यादा बड़ा है और मोस्ट हम अज्यूम कर इन्फिनिटी, तो आई नॉट आई रेफरेंस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0, 1/1 यानी आई नॉट आई रेफरेंस के बराबर आ जाता।
लेकिन आपको पता है कि बीटा आमतौर पे आप क्या चूज करते हैं या क्या होता है, बीटा 100 होता है गेन। तो ये क्या, अगर मैं बीटा को 100 रखूँ तो क्या होगा, अगर मैं बीटा को 100 रखूँ तो 2/100+1 फिर 1 से डिवाइड करें तो आई नॉट आपके पास जो है वो 0.98 आई रेफरेंस के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, आई नॉट आ जाएगा 0.98 आई रेफरेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये करंट मिरर आई नॉट और आई रेफरेंस एग्जैक्टली सेम प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो फाइनाइट वैल्यू ऑफ बीटा, ये जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ बीटा होती है जो कि 100 होती है, ये आई नॉट और आई रेफरेंस के अंदर 2% का एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आई नॉट 0.98 आई रेफरेंस आने का मतलब क्या है कि इट हैज़ 2%। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बीटा को 100 रख के, तो आपको पता चलेगा ये फैक्टर पूरा 0.98 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2% का एरर है इसके अंदर आई नॉट और आई रेफरेंस की वैल्यूज में। तो एक नॉर्मल बेसिक बीजेटी करंट मिरर गिव्स यू 2% ऑफ एरर बिटवीन द प्रोड्यूस्ड वैल्यूज ऑफ आई नॉट विथ आई रेफरेंस। अच्छा, हमें इस करंट मिरर का भी आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी फाइंड करनी है, और इसके लिए हमने क्या किया है, दैट वी ऑलवेज लुक एट द आउटपुट टर्मिनल, इसके कनेक्टर टर्मिनल से झांकने की कोशिश करेंगे, इस वाले का पूरा हम मॉडल बनाएंगे और इसके बेस टर्मिनल को ग्राउंड पर रखेंगे जैसे हम एफ ई डी के गेट्स को ग्राउंड रखते थे। तो मैंने यहाँ यही किया है कि ये जो Q2 ट्रांजिस्टर है इसका आर पाई मॉडल मैंने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, आर पाई मॉडल बनाने के बाद मैंने क्या किया है, इसके बेस को जो ग्राउंड दिखाया वो मैंने यहाँ पे बेस को ग्राउंड दिखा दिया है। आर पाई पहले से मौजूद है, ये क्योंकि ये सोर्स एमिटर टर्मिनल है, एमिटर टर्मिनल के ऊपर एक डीसी सप्लाई है जो कि ग्राउंड हो जाएगी ड्यूरिंग द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। यहाँ पे ग्राउंड आ गया, जी एम वी बी एज इट इज आ गया, दैट वॉज पार्ट ऑफ द मॉडल। आर नॉट टू को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, आर नॉट टू को मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड किया है कि अदरवाइज फिर इस टर्मिनल के ऊपर देखने से किसी तरह की भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की रेजिस्टेंस को इस कैलकुलेशन में हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, नाउ वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू लुक फ्रॉम द कलेक्टर टर्मिनल की कितनी रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसके कलेक्टर टर्मिनल से देखने की कोशिश करूं तो मुझे पता चलेगा कि आर पाई के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है वी बी ई। तो सिंस द बेस इज ग्राउंडेड एंड सिंस द एमिटर इज आल्सो ग्राउंडेड, वी बी ई कितना आ गया, जीरो। तो वी बी ई जब जीरो आया तो जी एम वी बी ई कितना हो गया, जी एम वी बी ई भी जीरो हो गया। एक तरह से ये चीज़ ओपन सर्किट हो गई। तो अगर आप इस टर्मिनल से अब देखने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ यही पार्ट तो एक्टिव है इस वक्त। इनफैक्ट अगर मैं इसको भी ना बनाती और इसको भी ना बनाती तो ये बात सही होती, कोई गलत नहीं होता। अगला स्टेप में दिखा देती कि आर पाई भी यहाँ नहीं है और जी एम वी बी ई भी यहाँ नहीं है, इसमें कोई गलती ना होती, क्योंकि आर पाई के दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज जीरो है, इट इज़ इनएक्टिव, और जी एम वी बी ई भी जीरो हो गया बिकॉज वी बी ई इज जीरो। तो जो वी एक्स के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है बस वो सिर्फ यही लगी हुई है, दिस इज द ओनली सर्किट विच इज लेफ्ट। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आई एक्स और आई आर नॉट टू यानी आर नॉट टू का करंट दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर ही होंगे। आई आर नॉट टू के लिए मैं इक्वेशन कैसे लिख सकती हूँ, आई आर नॉट टू बराबर है वोल्टेज यूजिंग ओम्स लॉ लगा दें, वी एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर नॉट टू आई आर नॉट टू के बराबर आ जाएगा। ये आपने ओम्स लॉ लगाया, वी एक्स इससे आपके पास आई एक्स इंटू आर नॉट टू के बराबर कैसे हो गया, इसलिए हो गया कि आई एक्स और आई आर नॉट टू जो है वो आपके पास बराबर है, क्योंकि ये चीज़ इस वक्त जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया है, आई आर नॉट टू की जगह मैंने आई एक्स लिख दिया, वी एक्स ओवर आई एक्स का रेशो मुझे चाहिए, इस साइड पे आर नॉट टू बचा। तो पता ये हमें चल रहा है कि सिंपल करंट सोर्स जो है सिंपल करंट सोर्स जो है उसका जो आर आउट है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, आर नॉट ऑफ टू के बराबर होता है। अच्छा, रिमेनिंग जो ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रही है कि इस सर्किट में हमने आर नॉट टू या चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की जो रेजिस्टेंस है वो लिया क्यों, आर नॉट टू जो रेजिस्टेंस है उसको कंसिडर क्यों किया गया। सबसे पहली बात है कि देखें, इस करंट मिरर के अंदर चूंकि बीटा इनफाइनाइट है
इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। इसी वजह से आई नॉट और आई रेफरेंस, ये इसका डिसएडवांटेज है कि आई नॉट और आई रेफरेंस बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि बीटा इनफाइनाइट नहीं है, बीटा फाइनाइट है, और फाइनाइट बीटा आई नॉट और आई रेफरेंस को बराबर नहीं करता, बल्कि इनमें 2% का मिसमैच होता है, 2% डिफर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। दूसरी बात ये कि आई नॉट जो करंट है, जो कि हम आई रेफरेंस से मैच करना चाह रहे हैं, ये आई नॉट करंट कलेक्टर के वोल्टेज पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। जब कलेक्टर का वोल्टेज Q2 का अगर चेंज होता है, तो यकीनन ये आई नॉट चेंज हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों के बेसिस को ज्वाइन किया गया है, दोनों के एमिटर को ज्वाइन किया गया है। अब आपको ये पुरानी थ्योरी पता होगी कि हमने कहा था कि कलेक्टर का वोल्टेज एक्टिव रीजन में सिर्फ VBE वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है और किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये ओल्ड थ्योरी थी आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर इन रियलिटी में देखूँ तो ये जो आई नॉट है, कलेक्टर के वोल्टेज पर अगर कोई चेंज आएगा तो क्या ये आई नॉट चेंज नहीं होगा? ये आई नॉट थोड़ा बहुत चेंज होगा अगर कलेक्टर का वोल्टेज जो है वो चेंज होता है। तो अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कलेक्टर का वोल्टेज सपोज करें रिड्यूस होता है, तो आई नॉट में क्या चेंज आएगा? अगर कलेक्टर का वोल्टेज रिड्यूस होता है, तो सपोज करें अगर यहाँ कोई रजिस्टर होता तो क्या होता? VCC माइनस VC डिवाइडेड बाई RC इज इक्वल टू ये वाला करंट होता आई नॉट, क्योंकि आई नॉट IC के बराबर होता। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ, अगर इस वक्त आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो किसी भी कलेक्टर के BJT के ओम्स लॉ को उठा के देख लें, इक्वेशन क्या बन रही है। इक्वेशन बनती है VCC माइनस द कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस RC इज इक्वल टू द कलेक्टर करंट। ये आई नॉट उसी कलेक्टर करंट को शो कर रहा है। कलेक्टर वोल्टेज का और कलेक्टर करंट का आपस में क्या रिलेशन है, ज़रा ये किसी भी कलेक्टर के ओम्स लॉ को निकाल के देख लें। अगर हम कलेक्टर के वोल्टेज को कम करते हैं तो कलेक्टर का करंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। VC को अगर RC कांस्टेंट रखूं, लेकिन मैं कलेक्टर का वोल्टेज कम करूं, तो इसका मतलब है कलेक्टर का करंट जो है वो बढ़ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से कलेक्टर का करंट रिड्यूस होगा, तो ये जो करंट है आई नॉट, सॉरी, कि कलेक्टर का वोल्टेज अगर रिड्यूस होगा तो करंट आई नॉट बढ़ जाएगा, यानी कलेक्टर का करंट बढ़ जाएगा। अगर कलेक्टर का करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि VBE में कुछ चेंज आया था, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि कलेक्टर का जो करंट है वो VBE में चेंज होने की वजह से वेरी होता है और किसी चीज़ की वजह से वेरी नहीं होता एक्टिव रीजन में। तो यहाँ तो VBE चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि बेस वोल्टेज तो फिक्स है यहाँ पे और एमिटर का वोल्टेज भी फिक्स है यहाँ पे। तो अब हम इस बात को किस तरह से जस्टिफाई करें कि भाई कलेक्टर का वोल्टेज चेंज होने से कलेक्टर का करंट भी चेंज होगा? तो इसके लिए हम बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस Q2 की दिखाते हैं R02, और हम कहते हैं के यकीनन कोई इंटरनल रेजिस्टिव इफेक्ट ऐसा होगा जिसकी वजह से ये जो कलेक्टर का वोल्टेज है उसके चेंज होने से कलेक्टर का करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि कलेक्टर के वोल्टेज के चेंज होने से कलेक्टर का करंट चेंज हो गया। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि कलेक्टर का करंट सिर्फ VBE के चेंज होने की वजह से चेंज हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि जो कलेक्टर का करंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द कलेक्टर वोल्टेज, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस R0 जो कि मौजूद है और ये करंट चेंज करवा रही है। तो ये वाला पार्ट एज सच कोई बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं था, ये सिर्फ इस बात की एक्सप्लेनेशन है कि इस मॉडल में आपने R02 को क्यों लिया है। तो R02 को इस रीजन की वजह से लिया है, अगर इतनी डिटेल में ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, बस इट इज़ अंडरस्टूड के Q2 के अंदर जो है वो R02 हमने कंसिडर करना है। ओके, जैसे हमने बेसिकली MOSFET के करंट स्टीयरिंग सर्किट पढ़े थे, अब हम BJT करंट स्टीयरिंग सर्किट पढ़ेंगे। करंट स्टीयरिंग सर्किट का मतलब बेसिकली यही है कि वी आर प्रोड्यूसिंग द करंट एट एनी वन पार्ट ऑफ द सर्किट एंड देन वी आर यूजिंग इट एट मल्टीपल डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहली बात कि Q1 और Q2 जो हैं वो ट्रांजिस्टर्स हैं जो बेसिकली करंट जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, Q1 वी कैन सी इज अ PNP ट्रांजिस्टर, Q2 इज एन NPN ट्रांजिस्टर। अगर हमारा जो एक्चुअल चिप है, जो हमारी IC है, उसके अंदर PMOS ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व है, उसमें NMOS ट्रांजिस्टर
उसके अंदर पीएनपी ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो दिस टाइप ऑफ करंट स्टीयरिंग सर्किट कैन बी यूज टू प्रोवाइड करंट्स और वोल्टेजेस टू द पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड दिस पार्ट ऑफ द सर्किट विल बी यूज टू प्रोवाइड वोल्टेजेस टू द एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, इसमें ये जनरेट कैसे कर रहे हैं? ये जो है आपका आई रेफरेंस करंट बेसिकली इस रेजिस्टर के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या होगा, तो मैं कह सकती हूँ कि ये Q1 का बेस वोल्टेज होगा जो बेसिकली यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि Q1 का बेस वोल्टेज जो है यहाँ पे शॉर्टेड होगा। इसी तरह से Q2 का जो बेस वोल्टेज है वो बेसिकली यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, अच्छा, इसको हमने पॉइंट X का नाम दे दिया है, इसको हमने पॉइंट Y का नाम दे दिया है। अगर मैं Vx-Vy करूँगी तो बेसिकली Vx-Vy डिवाइडेड बाय जो R होगा वो हमारे I रेफरेंस करंट के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, Q1 और Q2 ने जो करंट प्रोड्यूस किया, Q2 की मुनासबत से Q4 बिल्कुल वही काम कर रहा होगा जैसे कि पिछले सर्किट में करंट मिरर का ये वाला पार्ट कर रहा था। अगर आप इस वाले पार्ट को देखें तो ये पीछे जो वही करंट सोर्स है जो आपने भी बेसिक स्टडी किया है, तो Q4 बिल्कुल जो है वैसे ही करंट मिरर बना रहा है, बेसिक करंट मिरर बना रहा है जैसे हमने प्रीवियस पेज पे स्टडी किया है। और ये जो आई रेफरेंस होगा और ये जो I2 होगा, I2 बिल्कुल 98% ऑफ आई रेफरेंस के बराबर होगा। 98% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो बीटा हमने 100 ही रखा हुआ होगा, तो यकीनन I2 और आई रेफरेंस 100% बराबर नहीं होंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि चले भाई ये एरर नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि I2 और आई रेफरेंस जो है वो बराबर होंगे। अगर मुझे बेसिकली I2 और I रेफरेंस बराबर नहीं चाहिए, बल्कि जो मेरा सर्किट यहाँ पे कोई कनेक्ट हो वो बेसिकली मुझे किसी उसको किसी और करंट की ज़रूरत हो, तो हाउ कैन वी प्रोड्यूस एनी अदर करंट? सपोज करें कि अब हम जो सर्किट है उसको 3 times ऑफ I रेफरेंस करंट चाहिए, तो क्या होगा? हम 3 ट्रांजिस्टर लेंगे Q7, Q8, Q9 जो कि बिल्कुल Q4 की तरह ही होंगे। हर एक का करंट कितना होगा? इसका करंट आई रेफरेंस होगा, इसका करंट आई रेफरेंस होगा, इसका करंट आई रेफरेंस होगा। इन तीनों के कलेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे, तीनों के एमिटर्स को ज्वाइन करेंगे, तो अब जो I4 करंट ये सर्किट ले रहा होगा या जो सिंक कर रहा होगा उसकी क्या वैल्यू होगी? वो 3 times ऑफ आई रेफरेंस होगी, प्रोवाइडेड दैट कि Q2 का जो साइज था वही Q4 का साइज है, वही Q7 का, वही Q8 का, Q9 का साइज है। जब Q2 और Q4 का साइज बराबर था तो I2 एग्जैक्टली आई रेफरेंस जैसा प्रोड्यूस हो रहा था, वही 98% वाली चीज। अगर जो है Q7, Q4 बिल्कुल सेम है, Q8, Q4 बिल्कुल सेम है, Q9, Q4 सेम है, तो क्या इसका करंट आई रेफरेंस के बराबर, इसका आई रेफरेंस के बराबर, इसका आई रेफरेंस के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया है तो इसका क्या मतलब है? आई रेफरेंस प्लस आई रेफरेंस प्लस आई रेफरेंस, ये जो I4 करंट होगा बेसिकली 3 times ऑफ आई रेफरेंस करंट के बराबर होगा। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द अपर पार्ट। बिल्कुल जिस जो साइज Q2 का था वही साइज PNP में ट्रांजिस्टर Q1 का था, और Q1 का जो साइज था वही Q3 का भी साइज है, Q5 का भी साइज है, Q6 का भी साइज है। ठीक है, Q3 एग्जैक्टली Q1 के करंट को रेप्लिकेट कर रहा होगा, यानी कि जो I1 है वो बिल्कुल I रेफरेंस के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, यानी I3 करंट एग्जैक्टली I1 करंट एग्जैक्टली I रेफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, चूंकि Q5 भी I रेफरेंस के जितना करंट दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि Q5 I3 के जैसा है। Q6 भी I रेफरेंस करंट दे रहा होगा क्योंकि ये भी Q3 के जैसा है। तो I रेफरेंस करंट इसका, I रेफरेंस करंट इसका, इन दोनों का सम यानी कि I3 करंट किसके बराबर होगा? वो 2 times ऑफ I रेफरेंस के बराबर होगा। तो बेसिकली अब हमें पता ये चला कि अगर हमें I रेफरेंस जितना एग्जैक्ट करंट चाहिए होता है तो हम एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं, मेन ट्रांजिस्टर जो जनरेट कर रहा है उसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो वो एग्जैक्ट आई रेफरेंस करंट जितना प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर हमें मल्टीपल ऑफ आई रेफरेंस किसी भी जगह पे चाहिए हो तो हम 3 ट्रांजिस्टर्स को मिला के 3 times ऑफ आई रेफरेंस हासिल कर सकते हैं। अगर हमें
टू टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस चाहिए हो तो हम दो ट्रांजिस्टर्स को मिला के जो है वो टू टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस करंट हासिल कर सकते हैं। एक चीज ये है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं वो I1 अमाउंट ऑफ करंट जो कि आई रेफरेंस के बराबर है किसी भी सर्किट में सोर्स कर रहे होंगे। तो Q3, Q5, Q6 जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं दे आर कॉल्ड एज सोर्सिंग द करंट्स, जबकि Q4, Q7, Q8 ये जो Q7, Q8, Q9 है ये NPN ट्रांजिस्टर हैं, दे आर टेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ करंट, ये थ्री टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये आई रेफरेंस करंट ड्रॉ कर सकता है। तो देयरफॉर दीज NPN ट्रांजिस्टर्स आर कॉल्ड एज सिंकिंग द करंट्स, ये सिंक कर रहे हैं करंट्स को, जबकि Q3, Q5, Q6 ये सारे जो भी करंट इनके हैं उस कॉरस्पॉन्डिंग करंट को ये सोर्स कर रहे हैं, किसी सर्किट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ बेसिक बीजेटी करंट स्टीयरिंग सर्किट वर्क। ओके, इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू सी एक्चुअली हाउ द आई रेफरेंस करंट वॉज प्रोड्यूस्ड। इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व दैट आई हैव अप्लाइड एन ओम्स लॉ अक्रॉस द रजिस्टर आर, आर के अक्रॉस ओम्स लॉ जो लगाया है तो उसके लिहाज से Vx माइनस Vy डिवाइड बाई आर आई रेफरेंस के बराबर आ गया। ये तो ओम्स लॉ से बहुत डायरेक्ट सी चीज़ आ गई। द थिंग इज दैट वॉट विल बी द एक्सप्रेशन और वैल्यू फॉर दिस Vx और दिस Vy। अब अगर मैं ज़रा Vx को देखूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ कि Vx Q1 के बेस का वोल्टेज होगा, और क्या मैं कह सकती हूँ कि Vy Q2 के बेस का वोल्टेज होगा। तो अगर मैं किसी तरह से Q1 के बेस का वोल्टेज फाइंड कर लूँ तो उसको Vx में यूज़ कर लूँ, और somehow if I find the base voltage of Q2 I can use it as Vy। अच्छा, मज़ीद ये कि since this is a PNP transistor I can clearly see that this is this drop will be called as VEB, and this is an NPN transistor, this drop will be called as VBE। अब अगर मैं कहूँ कि VEB ट्रांजिस्टर 1 का क्या होगा तो क्या मैं कह सकती हूँ VE1 माइनस VB1 होगा इस ट्रांजिस्टर Q1 के लिए जो कि PNP है। आई कैन राइट VEB एज VE माइनस VB। इसके एमिटर पे कितना वोल्टेज है इस ट्रांजिस्टर के, इट इज़ वेरी क्लियर कि इसके एमिटर का वोल्टेज इस वक्त VCC के बराबर है। इसके बेस का वोल्टेज कितना है, इसके बेस वोल्टेज की जगह मैं VB लिखने के बजाय VX लिख सकती हूँ जो मैंने यहाँ लिखा है। तो अब अगर मैं Vx निकालना चाहूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ Vx को इस साइड पे ले जाएं, VEB को इधर ले आए, तो Vx बराबर हो जाएगा VCC माइनस VEB1 के, Vx आ गया। इन अ सिमिलर मैनर मैं VBE2 लिख सकती हूँ, VBE2 किसके बराबर होगा, VB माइनस VE, और ये VB2 माइनस VE2 होगा। अच्छा, बेस वोल्टेज ऑफ 2 का जो बेस वोल्टेज है क्या मैं इसकी जगह VY लिख सकती हूँ, ठीक है लिखा हुआ है। व्हाट इज द एमिटर वोल्टेज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर Q2 ट्रांजिस्टर का जो एमिटर वोल्टेज है उस पर माइनस VEE की सप्लाई लगी है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें से VY अगर आप निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ VEE प्लस VBE2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया था। अब जब मेरे पास VY और VX मौजूद है तो मैं इसकी मदद से आई रेफरेंस की इक्वेशन लिख सकती हूँ। सिंपली अब तो फार्मूला पुटिंग ही रह गया कि VX की जगह मैंने VX की वैल्यू पुट कर दी, VY की जगह मैंने यहाँ पे VY की वैल्यू पुट कर दी। VX माइनस VY सिंपली मैंने ब्रैकेट ओपन किया है। आई रेफरेंस करंट जो है वो सर्किट पैरामीटर्स के फॉर्म में इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो हो सकता है कि पेपर में आपको ये सर्किट बना हुआ मिले, आपको VCC की वैल्यू मिल जाए, आपको VEB की वैल्यू मिल जाए, VBE की वैल्यू मिल जाए, VEE की वैल्यू मिल जाए, इस R की वैल्यू मिल जाए, और कहा जाए फाइंड द आई रेफरेंस विच दिस करंट स्टीयरिंग सर्किट इज प्रोड्यूसिंग, आपको आई रेफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो, या आपको कहा जाए कि आई रेफरेंस इतना है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी, आई रेफरेंस की वैल्यू आपको गिवन होंगी, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर दिस सर्किट, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सारी चीज़ें सिंपली रिकैप है, क्योंकि हमें पता था कि आई रेफरेंस करंट जो था, I1 करंट जो प्रोड्यूस हुआ है सर्किट में, वो I2 जो प्रोड्यूस हुआ है, ये सब आई रेफरेंस के बराबर है। इसी तरह से I7, I8, I9 ये सारे बराबर थे, सब आई रेफरेंस के ही बराबर थे। इनफैक्ट मुझे यहाँ I5, I6 भी लिख देना चाहिए था, I5, I6 भी जो है वो बेसिकली सारे आई रेफरेंस के ही बराबर थे। और एंड में मैंने समराइज किया है कि I4 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस के बराबर है, वो ये रहा, और I3 जो है वो
टू टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस के बराबर है, वो ये रहा। ओके, इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आर द कंडीशंस टू कीप ऑल दीज ट्रांजिस्टर्स इन एक्टिव रीजन, बिकॉज ये जो करंट स्टीयरिंग सर्किट है इट रिक्वायर्स ऑल ऑफ दीज ट्रांजिस्टर्स टू वर्क इन द एक्टिव रीजन। ठीक है, तो एक्टिव रीजन में ये वर्क कैसे करेंगे कि चाहे Q4 हो गया, Q7 हो गया, Q8, Q9 कोई भी हो गया, मैं किसी एक को लेके दिखा रही हूँ, सारे NMOSes के लिए बेसिकली यही कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। Q4 को एक्टिव रीजन में होने के लिए कलेक्टर वोल्टेज ऑफ 4 शुड बी ग्रेटर देन बेस वोल्टेज, VC शुड बी ग्रेटर देन VB, NPN के लिए तो यही होता है। तो VC4 को क्या होना चाहिए, बेस वोल्टेज ऑफ 4 क्या है, असल चीज़ ये है, व्हाट इज़ द बेस वोल्टेज ऑफ 4। If we look into the circuit, we can see base voltage of Q4 is actually connected to the terminal Y. यानी जो VY की value है वो base voltage of 4 है। VY की value क्या थी, वो ये थी माइनस VEE प्लस VBE2। तो माइनस VEE प्लस VBE2 जो कुछ भी ये value बन रही है, वैरे VBE की भी value given होती है known होती है, VEE की भी value जो है supply की known होती है। तो इन दोनों की मदद से हम बता सकते हैं कि कलेक्टर वोल्टेज ऑफ 4 को हमेशा इससे ज़्यादा रहना होगा ताकि Q4 ट्रांजिस्टर एक्टिव में रह सके, और चाहे VC4 हो या मैं कलेक्टर वोल्टेज ऑफ 7 कह लूँ ट्रांजिस्टर, या कलेक्टर वोल्टेज ऑफ VC8 कह लूँ या VC9 कह लूँ, सब के एक्टिव रीजन में रहने के लिए, तमाम NPN ट्रांजिस्टर जो यहाँ नज़र आ रहे हैं उसके एक्टिव में रहने के लिए यही कंडीशन वैलिड होगी। सिमिलरली अगर मैं अब इस PMOS की बात करूं, तो ये Q3 ट्रांजिस्टर कैसे एक्टिव में रह सकता है कि इसका VC इसके VB से कम होना चाहिए, क्योंकि ये PNP है ना, तो Q3 का VC अगर इसके VB से कम हुआ तो ये एक्टिव में होगा। यही कंडीशन Q5 के लिए भी वैलिड रहेगी, Q6 के लिए भी वैलिड रहेगी, क्योंकि ये सारे PNP हैं। तो Q3 का बेसिकली कलेक्टर बेस वोल्टेज है क्या, Q3 का बेस वोल्टेज एक्चुअली में ये VX वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। तो VX वोल्टेज क्या था, VX वोल्टेज आपके पास ये था, तो Q3 का कलेक्टर वोल्टेज कम रहना चाहिए VCC माइनस VEB1 से, ताकि जो Q3 ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन को मेंटेन कर सके। और Q5 के लिए भी, VC5 के लिए भी यही कंडीशन है, VC6 के लिए भी एग्जैक्टली यही कंडीशन है, क्योंकि सारे बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं और सेम टाइप के ट्रांजिस्टर हैं। ठीक है, सो हियर वी आर डन विद द करंट स्टीयरिंग सर्किट्स ऑफ BJTs। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम इम्प्रूव्ड करंट सोर्सेज मेड अप ऑफ BJTs। दिस इज एन इम्प्रूव्ड BJT बेस्ड करंट सोर्स where you can clearly see that it will be improving the current. This is called an improved current source on two bases. ठीक है, पहला base improved current source का ये हो सकता है कि या तो ये actual जो current source थी उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर around दे रहा हूँ, इस way में ये improved हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि या ये I0 और I reference को ज़्यादा हद तक एक दूसरे के क्लोज कर रहा हो, क्योंकि आपको याद होगा कि बेसिक करंट सोर्स के अंदर I0 और I reference में 2% मिसमैच था, 98% सिमिलर आ रहे थे। तो या तो ये इम्प्रूव करंट सोर्स R out को बढ़ा रही होगी, या तो ये इम्प्रूव करंट सोर्स I0 और I reference के मिसमैच को कम कर रही होगी। ठीक है, तो अभी हम पहले बिफोर वी लुक इनटू द फैक्ट के I0 और I reference में क्या रिलेशन है, मैं क्विकली इस बात को क्लियर कर दूं कि इसके I0 को अगर, इसके आउटपुट टर्मिनल को अगर मैं देखूं, तो मुझे एक ही ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सिंपल करंट सोर्स में था। तो इसकी एनालिसिस बिल्कुल वही की वही निकलेगी जो कि सिंपल करंट सोर्स के R out की निकल रही थी। इनफैक्ट वही कैलकुलेशन को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया, क्यों, क्योंकि सिंपल करंट सोर्स के आउटपुट पे भी एक ही ट्रांजिस्टर था आउटपुट पे, यहाँ पे भी एक ही है, तो इसका भी जो R out कैलकुलेट होगा वो बिल्कुल R02 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इम्प्रूव्ड करंट सोर्स का नाम दे रहे हैं और R out वही आ रही है आपके पास जो आपके सिंपल करंट सोर्स में थी, तो इसका मतलब जो इम्प्रूवमेंट आ रही होगी ना, वो I0 और I reference के मिसमैच को ख़त्म करने में आ रही होगी। तो ये जो इम्प्रूव करंट सोर्स है, अब आपको खुद पता होना चाहिए कि ये R out में इम्प्रूवमेंट नहीं दे रही है ये करंट सोर्स, बट इट इज़ प्रोवाइडिंग अ बेटर मैच बिटवीन I0 एंड I reference।
इस किस्म की चीज़ें आपसे शॉर्ट उसमें पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं कि ये वाला जो इम्प्रूव करंट सोर्स था भाई इसका क्या एडवांटेज था एज कम्पेयर टू द सिंपल। तो आर आउट में कोई एडवांटेज नहीं था, एडवांटेज क्या था कि आई नोड और आई रेफरेंस बेटर मैच प्रोवाइड कर रहे थे। वो कैसे प्रोवाइड कर रहे थे, लेट अस सी दिस। इसको मैं अच्छा सबसे पहले तो अब आप ये देख लें कि ये देखें ये क्यू टू का करंट आई ई है, ये क्यू वन का करंट आई ई है। बेस करंट क्या होगा क्यू वन का, एमिटर करंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, तो ये बेस करंट ऑफ क्यू वन हो गया। इसी तरह से क्यू टू का क्या होगा, एमिटर करंट डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। जैसा कि आपको पता है कि एमिटर करंट इज सॉरी बेस करंट इज ऑलवेज गोइंग इनसाइड द एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका भी इनसाइड जा रहा होगा। तो सिमिलर टू द नॉर्मल करंट सोर्स यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों का बेसिकली सम होगा 2IE ओवर 1 प्लस बीटा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बेसिकली ये है कि ये एक एमिटर करंट है। एमिटर करंट से बेस करंट कैसे निकलता है, जितना भी एमिटर करंट हो अगर हम उसको 1 प्लस बीटा से डिवाइड कर दें तो बेस करंट निकल जाता है। तो अगले स्टेप में देखें मैंने इस Q3 ट्रांजिस्टर का बेस करंट कैसे निकाला। मैंने कहा इसका एमिटर करंट है ये 2IE ओवर 1 प्लस बीटा, मैंने इस पूरे एमिटर करंट को 1 प्लस बीटा से डिवाइड किया है ताकि इस वाले Q3 ट्रांजिस्टर का बेस करंट मुझे मिल सके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन सा करंट होगा, ये Q1 का कलेक्टर है तो यहाँ पे इसका कलेक्टर करंट है अल्फा टाइम्स IE और अल्फा की जगह मैंने बीटा ओवर 1 प्लस बीटा लिखा है, तो दिस इज एक्चुअली द कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। आई रेफरेंस करंट किसके बराबर होगा, आई रेफरेंस करंट बराबर होगा इस करंट के और इस करंट के, ठीक है, कलेक्टर करंट ऑफ Q1 के और बेस करंट ऑफ Q3 के। तो अब मैं बेसिकली इन दोनों को सम करके बताऊंगी कि ये आई रेफरेंस करंट के बराबर है। एंड एट द सेम टाइम आई नॉट करंट क्या होगा, आई नॉट करंट बेसिकली कलेक्टर करंट है Q2 का, तो ये बेसिकली IC इज इक्वल टू अल्फा IE से निकला है और अल्फा की जगह हमने बीटा ओवर 1 प्लस बीटा लिखा हुआ है। तो अब आई रेफरेंस के लिए भी इक्वेशन नज़र आ रही है, आई नॉट के लिए भी इक्वेशन नज़र आ रही है, लेट अस कैलकुलेट द रेशियो आई नॉट ओवर आई रेफरेंस। अच्छा ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि आई नॉट जो था वो बेसिकली इसके बराबर था, वो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। और आई रेफरेंस करंट हमारे पास क्या था, आई रेफरेंस करंट बेसिकली इस करंट के और इस करंट के बराबर था। तो बेसिकली बीटा IE ओवर 1 प्लस बीटा, ये रहा बीटा IE ओवर 1 प्लस बीटा, और ये जो एमिटर करंट था इसको हमने डिवाइड किया था 1 प्लस बीटा से टू गेट द बेस करंट ऑफ द ट्रांजिस्टर Q3। तो ये 2IE अगर देखा जाए तो 2IE ओवर 1 प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है, तो ये 2IE ओवर 1 प्लस बीटा स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा है। इसमें से कुछ चीज़ें हम कॉमन निकाल लेते हैं, लाइक IE ओवर 1 प्लस बीटा, IE ओवर 1 प्लस बीटा कॉमन निकाला तो इस वाले में 2 अपॉन 1 प्लस बीटा बच रहा है और इस वाले में जो है वो खाली बीटा बच रहा है, ये आपके पास बच रहा है। आई नॉट ओवर आई रेफरेंस का जब आप बेसिकली रेशो लेंगे तो IE ओवर 1 प्लस बीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल होगा, आपके पास बेसिकली बच जाएगा बीटा ओवर बीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस बीटा, ये सारी चीज़ें आपके पास बच जाएंगी। अच्छा इसमें अब बीटा को मज़ीद मैं इसके भी डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, इसके भी यानी इस वाले बीटा को मैं इसके और इसके डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ बीटा ओवर 1 प्लस बीटा ओवर बीटा बन गया और 2 अपॉन 1 प्लस बीटा और फिर बीटा से भी डिवाइड कर दिया, तो इसकी जगह आ गया आपके पास 1 और इसकी जगह 2 अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। जब आपके पास ये 2 अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, अब आप इसके अंदर जो है बीटा की वैल्यू 100 पुट करके देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि आई नॉट ओवर आई रेफरेंस जो है अब 99% सिमिलर हो चुका होगा। तो एक्चुअल चेंज क्या आया है कि जो सिंपल करंट सोर्स था उसमें जो है सिर्फ 2 अपॉन बीटा शामिल था, अब आपका जो फैक्टर है आई नॉट और आई रेफरेंस को रिलेट करने का वो 2 अपॉन बीटा की वजह 2 अपॉन बीटा स्क्वायर हो गया। मैं प्लस बीटा को ऐसा इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो रफली ये 2 अपॉन बीटा स्क्वायर के बराबर हो गया। डिनोमिनेटर में बीटा स्क्वायर आने का मतलब ये है कि अगर बीटा सपोज फाइनाइट भी है 100 जो कि नॉर्मल होता है, अगर वो स्क्वायर हो रहा है तो ज़ाहिर डिनोमिनेटर का फैक्टर और भी इंक्रीज कर रहा है और ज़ाहिर फिर आई नॉट और आई रेफरेंस रिजल्टेंटली एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं। तो इस इम्प्रूव करंट सोर्स ने आपको आर आउट तो इम्प्रूव
नहीं दिया, लेकिन आई नॉट और आई रेफरेंस जो है वो 99% सिमिलर प्रोवाइड कर दिए. ओके, सो नाउ दिस इज अनदर इम्प्रूव्ड करंट सोर्स विच इज़ कॉल्ड एज द विल्सन करंट सोर्स. अगर आप इसको देखेंगे तो ये मॉस्फेट में जो विल्सन करंट सोर्स था बिल्कुल उसी के स्ट्रक्चर की तरह है, बट दिस इज बीजेटी बेस्ड. अच्छा, इसकी जो रेजिस्टेंस है आर आउट वो डेफिनेटली नज़र आ रही है कि आउटपुट नेटवर्क के ऊपर दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो यकीनन सिंपल आर नॉट टू तो नहीं होगी जैसे कि प्रीवियस दो में थी. सो वी विल लुक इनटू दिस सर्किट इन डिटेल. अभी इसको अगले स्टेप में आर आउट डिटेल में कैलकुलेट करते हैं. इसका जो आई नॉट और आई रेफरेंस का रिलेशन है वो हम बेसिकली डराइव करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अच्छा, एक चीज़ एंड में हमें पता ये चलेगी कि दिस विल्सन करंट सोर्स इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग बेटर मैच बिटवीन आई नॉट एंड आई रेफरेंस. ना सिर्फ ये मैच ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा होगा आई नॉट और आई रेफरेंस का, बट एट द सेम टाइम आर आउट में भी इम्प्रूवमेंट ला रहा होगा, दोनों कर रहा होगा. बट सिमिलर टू द मॉस्फेट बेस्ड विल्सन करंट सोर्स, इसमें इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम एडजस्ट करना इतना इजी नहीं होता. दैट इज़ व्हाई ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है करंट सोर्स. एनीवेज, आर आउट को तो हम डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम आई नॉट और आई रेफरेंस को जो देखेंगे, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने इसके 100% सारे स्टेप्स यहाँ पे नहीं किए, कुछ स्टेप्स मैंने बीच में से स्किप कर दिए, ठीक है. लेकिन काफ़ी हद तक मैं क्लोज टू द एंड कैलकुलेशन ले आई हूँ. थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ की मिसिंग है जो कि थोड़ी सी ट्रिकी है, दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू योर सेल्फ, ताकि ये पेपर में आपसे पूछी जा सके, ठीक है. अच्छा, इसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि देखें ये आई ई करंट है, ये आई ई करंट है, ये आई ई ओवर 1+β हो गया, ये आई ई ओवर 1+β हो गया, यानी बेस करंट्स हैं दोनों. तो इस वाली ब्रांच में यकीनन ट्वाइस ऑफ द बेस करंट होगा, 2 IE over 1+β. यहाँ पर बेसिकली Q2 का कलेक्टर करंट होगा. इफ दिस इज द कलेक्टर करंट ऑफ Q2, वो अल्फा आई ई के बराबर होगा, और इसके लिए मैंने β over 1+β into IE लिखा है. अब आप देखें कि ये जो करंट है वो क्या है, दिस इज एक्चुअली द एमिटर करंट ऑफ Q3. वो किसके बराबर है? एमिटर ऑफ करंट ऑफ Q3 इस करंट के बराबर है जो यहाँ जा रहा है, और इस करंट के बराबर है जो इस ब्रांच में है. तो एमिटर करंट ऑफ 3 विल बी द सम ऑफ दिस करंट एंड दिस करंट. इन दोनों को ज़रा देख लेते हैं अलग से. मैंने यहाँ लिख दिया है कि एमिटर करंट ऑफ Q3 2 IE over 1+β ये वाली चीज़, और β IE over 1+β ये वाली इसके बराबर है. तो बेस करंट ऑफ Q3 क्या होगा? बेसिकली ये Q3 का बेस करंट कैसे निकलेगा, Q3 का बेस करंट कैसे निकलेगा कि जो भी एमिटर करंट है Q3 का, मैं उस पूरे को 1+β से डिवाइड कर दूं, यही होगा ना. IE 1+β IB होता है, तो IB क्या होगा? एमिटर करंट डिवाइड बाय 1+β. तो जो कुछ भी IE की 3 की एक्सप्रेशन मेरे पास आई थी उसको मैंने 1+β से डिवाइड किया. जब इस टर्म को 1+β से डिवाइड किया, इसके नीचे 1+β² बन गया. जब इस टर्म को मैंने 1+β से डिवाइड किया, इसके लिए भी, इसके नीचे भी 1+β² बन गया. अच्छा, अब IC3 असल में ये जो I0 है ये क्या है? ये कलेक्टर करंट है बेसिकली ट्रांजिस्टर Q3 का. तो IC3 क्या होगा? अल्फा टाइम्स IE3, यानी अल्फा टाइम्स ये जो एमिटर करंट है 3 का वो. तो अल्फा टाइम IE3 क्या हो गया? अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? β over 1+β. IE3 आपका एज इट इज आ गया. IE3 ये आपके पास यहाँ कैलकुलेट हुआ हुआ है, इसको आप यहाँ पुट करें. तो मैंने β over 1+β तो एज इट इज लिखा, और यहाँ IE3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो वहां से निकाली है. और ये IC3 करंट एक्चुअली में I0 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है. इसमें से मजीद कुछ टर्म्स मुझे कॉमन नज़र आ रही थी. IE over 1+β इस टर्म में भी नज़र आ रहा था, इस टर्म में भी नज़र आ रहा था, मैं उसको बाहर लेके चली गई हूँ. अंदर जो बच गया वो ये बन गया, यानी I0 की सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो है वो मेरे पास ये बची है, ठीक है. एट द सेम टाइम आई रेफरेंस किसके बराबर है? आई रेफरेंस बराबर है IB3 के. ये IB3 आप निकाल चुके हैं, ये रहा. आई रेफरेंस बराबर है IB3 के प्लस इस वाले करंट के, इन दोनों के सम के बराबर है. मैंने यहाँ से आगे सर्किट को सॉल्व नहीं किया है, ठीक है. आपने अगले स्टेप में IB3 की वैल्यू पुट करनी है, और इस
ये वाली IC1 की वैल्यू पुट करनी है, कॉमन शॉमन निकालना है और I0 ओवर I रेफरेंस को डिवाइड करके दिखाना है कि ये फैक्टर ये बन जाएगा। बन जाएगा आराम से, थोड़ा सा ट्रिकी है बट बन जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशंस का तरीका आता है तो यू कैन डू इट। अच्छा, ये बेसिकली इक्वेशन हमें बता क्या रही है? ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर जो आपका नॉर्मल करंट सोर्स था उसकी जो इक्वेशन थी उसमें बीटा स्क्वायर का फैक्टर नहीं था 1/1 में, उसमें सिर्फ 1/2 का 2/बीटा का फैक्टर था, याद है? तो जब बीटा डिनोमिनेटर में आता है तो उससे क्या होता है कि सिर्फ 2/100 बन रहा था, और 2/100 में जब 100 हम वैल्यू पुट कर रहे थे तो I0 और I रेफरेंस जो थे वो तकरीबन 98% तक सिमिलर आ रहे थे, 2% का मिसमैच आ रहा था। अब आप इसके अंदर बीटा की 100 वैल्यू रख के ज़रा पुट करके देखिएगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में बीटा नहीं, बीटा स्क्वायर का टर्म आ गया। बीटा तो चले आया ही है, फाइन, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में बीटा स्क्वायर का टर्म आ गया है यानी 100 का स्क्वायर, तो इससे जो I0 और I रेफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे वो 99% एक दूसरे से सिमिलर होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है कि I0 और I रेफरेंस अब 99% एक दूसरे के साथ सिमिलर आ गए, ठीक है? तो ये विल्सन करंट सोर्स एक इम्प्रूव करंट सोर्स है एज़ कम्पेयर टू द बेसिक करंट सोर्स, जिसने I0 और I रेफरेंस को 99% सिमिलर कर दिया। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एन इम्प्रूवमेंट एंड आर आउट जो भी हम देखते हैं।